जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को लेके जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से प्लेस पे, जिसका नाम है कसारसाई डैम, जो कि है पुणे में, पुणे के हिंजेवाड़ी में है। बहुत ही खूबसूरत से जगह है। यहाँ से करीबन, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं पुणे आ गया हूँ। तो आप लोग को पुणे के ब्लॉग्स मिलते रहेंगे बहुत सारे। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो को एक भी जगह स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम निकल रहे हैं यहाँ से कसारसाई डैम के तरफ। हाँ, और मैं अचानक से पुणे क्यों आ गया सब सोच रहे होंगे, और बहुत दिन तक के ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि अभी कोरोना वोरोना चल रहा था और मैं अचानक से यहाँ आ गया। तो मेरे को यहाँ कुछ काम थे, काम तो हो चुके हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा यहाँ आया तो थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। और आप सोच रहे होंगे एक्टिवा किसका है? एक्टिवा मेरे फ्रेंड का है। तो अभी हम हैं पुणे के हिंजेवाड़ी में। ये पूरा हिंजेवाड़ी का एरिया आता है। ये मतलब लक्ष्मी चौक तरफ आता है अंदर पे। तो मैंने दो महीने के लिए रेंट पे ले लिया यहाँ पे रूम, ओयो लाइफ करके है। तो मेरे को सस्ता पड़ रहा है, उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता ही पड़ रहा है, इसीलिए मैं ले लिया हूँ। यहाँ से कसारसाई डैम है, कसारसाई डैम कर गया है। एक्चुअली यहाँ से वो 10 किलोमीटर कुछ दूरी पर है, तो आप लोग को वहाँ लेके चल रहे हैं। बड़े बड़े ब्रेकर हैं यहाँ पे बहुत। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हमारा लक्ष्मी चौक आ जाता है, पुणे सिटी भी जाते हैं यहाँ से। यहाँ से राइट लेते हैं हम, कसारसाई डैम की तरफ चलते हैं। आप लोग को बहुत सारी प्लेसेस अभी घुमाना बचा है, बच गया है, तो आप लोग को पूरा घुमाएंगे धीरे 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 करके। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेस हैं। अब ना यहाँ पे लॉकडाउन खुल चुका है, बट टाइम के हिसाब से खुला है। छत्तीसगढ़ में तो खुल गया है लॉकडाउन पूरी तरीके से, बट यहाँ पे कोरोना कंट्रोल है, बट लॉकडाउन मतलब 4 बजे तक के मतलब खुले हुए हैं, उसके बाद सब ऑफ हो जाते हैं। तो मैं पहले जाके चेकआउट कर चुका हूँ कसारसाई डैम को। अब ये मेरा सेकंड टाइम जा रहा हूँ। मैं बहुत जगह यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया हूँ। तो मैं सोच रहा था कि पहले मैं अकेले जाके एक्सप्लोर कर लूँ, उसके बाद आप लोग को जाऊँ, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से ले कर जाके घुमा सकूँ। और जो जो लोग ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, कर लीजिएगा। मैं वहाँ सबसे पहले अपडेट दिया था, जगह का देते ही रहता हूँ। तो आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं महाराष्ट्र आ चुका हूँ, और मैं एकदम कोरोना के टाइम पे ही आया था। तो जैसे ऐसे मेरे को कुछ हुआ नहीं। और आप लोग ने मेरा पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाइए कोरोना टेस्ट वाला देख लीजिए। मैंने जब कोरोना टेस्ट कराया, उसके मतलब मैंने 25 तारीख को मैं निकल चुका था वहाँ से, बट मैंने वीडियो व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान थे करके। मौसम तो वैसे पानी गिर रहा है थोड़े दिन से, बट अब आज मौसम थोड़ा क्लियर है। अब पानी गिर जाएगा तो अच्छी बात है, मज़ा आएगा, क्योंकि जब पानी गिरता है ना तो मौसम वहाँ का बहुत ही अच्छा खुला खुला दिखता है। मैं बरसात के समय गया था तो मुझे तो बहुत ही मतलब लोकेशन बहुत ही अच्छा है यार। आप लोग भी अगर पुणे में अगर कोई हो या अगर आ रहे हैं पुणे, तो आइए यहाँ विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छा डैम है। और ऐसी व्लॉग आते रहेगा। और अब मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा यूट्यूब से वो हो गया था, क्योंकि घर में शादी वादी थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वॉब्लम था, मेरे को यहाँ आना भी था, इसलिए व्लॉग थोड़ा नहीं बन पा रहा था, नहीं तो मैं आप लोग को बहुत सारा व्लॉग बनाता। चलते हैं। गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल अप करवाना है मुझे,
तो देखते फ्यूल स्टेशन मिल जाए तो वहाँ पे फ्यूल डलवा लेंगे। और पेट्रोल के रेट तो आसमान छू रहे हैं, वैसे यहाँ पे तो 102 रुपए लीटर कुछ पेट्रोल का रेट चल रहा है। मैंने देखा ये फ्यूल स्टेशन है, चलते हैं यहीं फ्यूल अप करवाते हैं। यहाँ पे फ्यूल अप करवाते हैं, खाली तो लग रहे हैं वैसे। यहाँ पे फ्यूल अप करवा लेते हैं अपन। 210 कैश। गाड़ी का डिक्की खोलना थोड़ा सा इशू होता है। ₹102 लीटर चल रहा है आप रेट। आपसे बात नहीं कर रहे, इसमें बात करता हूँ भैया, कंफ्यूज हो गए। चलो फिलअप करवा ली है, कैश देते हैं भैया को। हवा तो वैसे है गाड़ी में, मैंने डलवा लिए थे हवा। पता नहीं भिलाई में अभी कितना चल रहा है पेट्रोल का रेट, यहाँ तो 105 रुपए है। देखिए आगे आप लोगों को पहाड़ पहाड़ दिख ही रहा होगा, ये थोड़ा सा पुणे का आउटर पड़ते करके यहाँ पे थोड़ा कोरोना का केसेस कंट्रोल पे है। बाकी मुंबई हो गया, पुणे सिटी हो गया, वहाँ पे थोड़ा केसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं इसीलिए इतना दूर पे रह रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोरोना केसेस इतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ बीच बीच में। कैसे चल चल के सामने ही आ जाते हैं। देखिए आपको पहाड़ अभी से दिख ही रहा होगा, और हम आप लोग को पहाड़ पे ही लेके जाएंगे, मतलब उतना ऊपर नहीं लेके जाएंगे, चढ़ के ट्रैकिंग व्रैकिंग करके नहीं जाएंगे। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, देखो कितना अच्छा, शायद ऊपर मंदिर बना हुआ है। हाँ शायद मंदिर झंडे लगे हुए हैं, कुछ तो मंदिर होगा वो। अब मैं सोचा हूँ यहाँ पे मैं एक वो बना के रखा हूँ प्लेसेस के, इतने बेस्ट बेस्ट प्लेस है महाराष्ट्र में घूमने के लिए, और इतने अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स हैं, मज़ा आ गया। पूरे पहाड़ी पहाड़, और ना मौसम जो पानी गिरने वाला होता है उसके बीच का जो ठंडा ठंडा लगता है, इतना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये देखिए ये पूरा पूरा बिल्डिंग्स है, ये भी एक अपार्टमेंट है पूरा, मतलब ये अपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं मैं सुना हूँ। बाकी अगर गया तो आप लोग को भी ले जाके दिखाऊंगा अंदर से कभी। एक पहाड़ उधर भी दिख रहा है, मतलब बादल से घिरा हुआ है पूरा पहाड़ ऐसा दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है। आगे पे एक छोटा सा गली है, वहाँ से हमको लेना है लेफ्ट टर्न कसार साई डैम के लिए। बाकी एक्टिवा बहुत अच्छा है, एवरेज भी अच्छा है, और देख रहे फुल टंकी हो गया 200 में फुल टंकी हो गया। पहाड़ देख देख के मैं खुश हो जाता हूँ पता है, क्योंकि मैं पहाड़ से इतना प्यार है मेरे को ना, मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते पहाड़। यहाँ से कहीं से लेफ्ट टर्न है थोड़ा आगे से, अरे बाप रे क्या देखने मिल गया, बैलगाड़ी, वाओ मज़ा आ गया देख के यार, दिल खुश हो गया। मतलब इतने दिन बाद मेरे को देखने मिला बैलगाड़ी, मज़ा आ गया यार, तो आँखें तरस गई थी यार ये सब चीज़ देखने के लिए। और ये सब चीज़ अगर दिख जाते ना तो कितना अच्छा लगता है। तो खेती हो रहा है ये सब चीज़, मतलब ये पूरा आउटर एरिया है, पूरा आउटर एरिया ये। दस किलोमीटर कुछ था, तो करीबन 3-4 किलोमीटर और बचे होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है। और ये गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्टिवा है,
100 सीसी की गाड़ी है और हम चलाते थे 220 सीसी की गाड़ी। इधर साइड नाला है शायद, नहीं यार नदी है यार। ये यहाँ से हमने को लेना है लेफ्ट टर्न, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से लेफ्ट, ये ऑटो चौक पड़ता है, यहाँ से तीन रास्ता गए हैं तो याद रखिएगा यहाँ से लेना है अपने को लेफ्ट टर्न। एकदम सिंगल रोड है छोटा सा, सामने से और भी रोड कटा है उसको भी आप लोग को दिखा देंगे आगे जाके। बाकी बादल तो आज बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, काले काले बादल हैं, काले काले बादलों में पहाड़। और यहाँ पे अगर आप लोग अगर ओला या कैब में आना चाहें तो आ सकते हैं, बट जाते समय ना जाने के लिए आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि जाते समय ना ओला कैब यहाँ मिलता नहीं है। तो थोड़ा आपको ना आगे एक मंदिर है बहुत प्यारा सा, वहाँ तक के आपको पैदल चल के आना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर कुछ पैदल चलने पड़ते हैं मंदिर तक आने के लिए। तो क्योंकि एक बार मैं फंस चुका हूँ इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब सब लोग चिल आउट करने आते हैं संडे सैटरडे, बट संडे शायद यहाँ पे लॉकडाउन है तो संडे मत आइएगा, नहीं तो पुलिस वाले आप लोग को बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। गाय मुर्गी उर्गी सब यहाँ पे रखे हुए हैं, अच्छा लगता है यार देख देख के कि अपन छत्तीसगढ़ से दूर है बट ये सब चीज़ यहाँ पे दिख जाता है, मतलब अपनापन लगता है यहाँ पे। ये है एक मंदिर, आप लोग को पूरा चल के यहाँ आना पड़ेगा तभी आप लोग को कैब मिलेगी, यहाँ तक कि मैं यहाँ पे फंस चुका था। ये मंदिर बहुत प्यारा सा मंदिर है, तो मैं इतना दूर पैदल आया, यहाँ से रोड थोड़ा सी दूरी तक के ख़राब है। ये रोड को ना अपन क्रॉस करते फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि नहीं तो ये बहुत दूर तक के ऐसी है, तो थोड़ा दूर तक के ऐसे जाना पड़ेगा उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाते हैं इधर साइड से, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सुंदर है। तो ये देखिए कुछ ऐसा सीन आ रहा है इधर साइड से, पूरे काले काले बादल हैं नीचे में और पहाड़ में चढ़ के कितना अच्छा लगता होगा यार, मज़ा आ जाता होगा ना। चलो अपन रिटर्न चलते, आपको वहाँ पीछे से भी दिखाते पूरा डैम। ऐसे अमन काराशाही डैम कसारशाही डैम पहुँच चुके हैं, नाम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार बोलने में, बट ठीक है। वैसे आज वीकेंड का दिन है, सैटरडे है करके थोड़ा सा भीड़ है। रोड ऐसी ख़राब है यार बहुत दूर तक के यार, मैं कैब में आया था तो मेरे को उस दिन उतना पता नहीं चला, बट बॉस एक्टिवा पे तो ऐसे लग रहे पेट में जितने खाए हैं पूरे बाहर आ जाएंगे। वैसे जगह पे ना बाइक पे आना सही है और जब पानी गिरते रहना तब आना बहुत सही है, ये व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। जैसे अपन अपना भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट जाते ना वैसे टाइप का लुक आता है, बट यहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे पहाड़ नहीं है, मतलब समझ लो वैसे ही लुक कुछ है यहाँ पे भी। और यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट भी है, हम आ गए हैं डैम के पास। आज थोड़ा सा भीड़ है, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है आज तो। ये 1 किलोमीटर पे के रॉक्स है रिजॉर्ट है, आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है बॉस। उस दिन मैं आया था तो कुछ भी भीड़ नहीं था, आज इतना भीड़ है बाप रे, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और हाँ मैं
यहाँ पे आप लोग को एक दिखाऊंगा जगह जहाँ पे बहुत ही अच्छे वड़े पाव मिलते हैं, मतलब बहुत ही मज़ा आ जाता है वड़ा पाव खा के। यहाँ पे कुछ नए नए चीज़ें भी बन रहे हैं सब, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ही कुछ डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे प्लेसेस। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा लुक, ये देखिए पानी अभी थोड़े कम लग रहे हैं, ले उस दिन जिस दिन मैं आया था उस दिन पानी गिरे हुए थे तो पानी बहुत ही अच्छा था, अच्छे दिख रहे थे। अपन चलते हैं आप लोगों को नीचे, गाड़ी लेके चलते हैं अपन नीचे, क्योंकि सब लोग गाड़ी ले लेके गए हुए हैं नीचे, तो अपन भी गाड़ी लेके चलते हैं नीचे, आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ से कुछ इस टाइप का सीन आ रहा है, यहाँ पे गाड़ी पार करते हैं और नीचे चलते हैं आप लोग को लेके। मैं सोचा था आज भीड़ नहीं होगा, बट आज भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है यार। हम पहुँच चुके हैं कसारसाही डैम, आप लोगों को पूरा दिखाते हैं एक बार। लोग यहाँ बहुत भीड़ है, तो कुछ इस टाइप का है कसारसाही डैम, देख सकते हैं आप लोग। जूम कर रहा हूँ मैं, पूरा फुल जूम है, फिर भी इस टाइप का लुक आ रहा है। तो चलिए आप लोगों को नीचे जाके दिखाते हैं, बहुत भीड़ है बट चलिए कैसे करें, चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं नीचे से। भीड़ है वैसे, वीकेंड के दिन आ गए, गलत दिन में आ गए अपन, तो आप लोगों को नीचे चल के दिखाते हैं। धूप पड़ रहा है वहाँ पे, तो बहुत सुंदर दिख रहा है जगह, और आप लोगों को टाइम लैप्स भी दिखाएंगे आप लोग टाइम लैप्स भी। देखो आज कितना भीड़ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप का व्यू है, देखिए काले काले बादल है, पूरे नीचे पहाड़ है, इतने अच्छे लग रहे हैं। चलते हैं पानी पे। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रहा है, तो बोटिंग वगैरह भी देखते हैं चल के, अगर बोटिंग करने को मिला नहीं तो यहाँ पे बहुत बेस्ट वड़ा पाव मिलते हैं, तो खिलाएंगे आंटी के पास। तो चलिए देखते हैं, पहले उधर चलते हैं गाड़ी वाड़ी लेते हैं। बोटिंग हो रहा है, अपने को जाना है उस साइड पे, तो चलिए। ये रोड है देखो कितना ख़राब सा रोड है, तो चलते हैं उधर, आप बोटिंग भी करके दिखाते हैं आप लोग। इधर साइड से जाते हैं, पूजा पूरा पीछे केरोक्स का रिजॉर्ट है, तो शायद वीडियो बनाना मना है इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो इधर से बोटिंग भी करने जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को इस राइन पे लेके आया। तो ये गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं अपन, पीछे भी गेट था पर नहीं बनाया, तो ये गेट है, यहाँ से करते हैं एंटर अपन। यहाँ से और अच्छा दिख रहा है यार, देखिए पूछते बोटिंग अभी क्या क्या है, बोटिंग भी करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे भी एक नाव है, बोटिंग उधर भी हो रहा है। देखो ये है बोटिंग, बोटिंग हो रहा है, तो बोटिंग करते हैं ले जाके आप लोग को। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे 300 रुपये लग रहे बोटिंग करने के, तो करते हैं 300 रुपये देते हैं। और अच्छा है सीन यहाँ से, आप लोग देखिए बोटिंग करते हुए अभी आप लोग को पूरा दिखा दूंगा मैं, कि रिसॉर्ट है उसके अंदर से आना पड़ता है। तो ये देखिए आप लोग को सीन दिखाता हूँ, पानी गिरना चालू हो चुका है, जाते जाते फंस ना जाए, डर के जाना पड़ेगा नहीं तो। तो आप लोग को दिखा दे, ए, 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 ए,
तो फ्रेंड्स हम बैठ चुके हैं और हम कर रहे हैं अभी बोटिंग, बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप लोग को भी दिखाते हैं। ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ। अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा मेरा भी। लेके चलते हैं आप लोग को पूरा पहाड़ दिखाते हैं। जल्दी आना पड़ेगा नहीं तो पानी स्टार्ट हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बॉस आज, इसलिए थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग को अच्छे से दिखाते भी हैं। पहाड़ के पास लेके जाते हैं आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कुछ इस टाइप का सीन आ रहा है। वो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है वो उधर साइड पे। और ना बोटिंग करते करते बॉस पैर जो दर्द दे रहा है, हालत हो चुकी है पूरी ख़राब। मैंने मांस वास निकाल दिया है और ये लाइफ जैकेट के कारण और थोड़ा ज़्यादा हालत ख़राब लग रहा है। और डर ये लग रहा है कि मैं डूब ना जाऊँ। आप लोग को पहाड़ दिखाता हूँ यार, बहुत सुंदर दिख रहा है। उसके पास जाना चाह रहा हूँ, पास जाके आप लोग को दिखाऊँगा ना, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस टाइप का बने हुए हैं। गया है और हालत हो चुका है ख़राब, तो हम लोग बोटिंग से उतरते, बोट से, और आप लोग से बाहर मिलते हैं। फुल सांस फूल रहा है और पानी भी स्टार्ट हो चुका है, तो हमको जाना ज़रूरी है नहीं तो हम पूरे भीग जाएंगे। तो चलिए पानी तेज हो रहा है तो मिलते हैं आप लोग से। तो हम लोग ने बोटिंग कर लिया है सब चीज़। ये देखिए बोट पर थे, 10-15 मिनट हमने बोटिंग किया है। अब हम जा रहे हैं वापस बाहर पे। चलो मंटी के पास एक वड़ा पाव मिलता है, बहुत ही अच्छा वड़ा पाव मिलता है, आपको भी दिखाते हैं। आप कभी आए तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये आंटी का ठेला, यहाँ पे खाते हैं वड़ा पाव। यहाँ से देखिए सीन कुछ इस टाइप का है, तो खाते हैं और आपको बताते हैं। तो हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया है कसारसाही डैम को, और अंधेरा हो गया था करके मैंने वड़ा पाव का जगह दिखा दिया था जहाँ वड़ा पाव खाते हैं आंटी का। बहुत ही अच्छा वड़ा पाव बनाती है आंटी, अगर आप कभी भी गए तो वहाँ पे टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, मतलब मज़ा आ जाता है। वहाँ का वड़ा पाव, कांदा भजिया खाने में मज़ा आ जाता है। तो आप जब भी जाए तो प्लीज़ वहाँ पे खाएं। और रात हो गया था करके मैंने वहाँ पे वीडियो एड नहीं किया, क्योंकि लाइट नहीं था तो फेस आ नहीं रहा था करके मैंने वहाँ वीडियो एड नहीं किया। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते एक नए सफ़र में, एक नए व्लॉग में। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ, बाजू में बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहले आते रहे। तो चलते हैं और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।